हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल बाय testyourprep.com। एंड आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके गाइस, सो बिफोर वी प्रोसीड विद द ट्यूटोरियल, लेट मी टेल यू हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड ड्यूरिंग द फुल कोर्स। ड्यूरिंग द फुल कोर्स वी विल प्रोसीड इन फोर स्टेप्स। द फर्स्ट विल बी लर्निंग द डेफिनेशंस एंड डिक्लेरेशंस, डेफिनेशंस एंड डिक्लेरेशंस। Second, we will learn about the syntax. Syntax is one of the most important part of any programming language. Third, we'll look at the flow of the code. Flow of the code basically means how the code is working line by line from top to bottom approach. And lastly, we'll look at the programmatic examples. इन चार स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे एंड वील प्रोसीड द फुल कोर्स। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे वेरिएबल्स इन सी, द डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड देयर यूसेजेस। फॉर एग्जांपल, इस कोड की अगर हम बात करें, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं, इंट ए एंड इंट बी। तो मैं आपको बताऊँगा कि इस इंट ए और इंट बी का क्या मतलब है। ऑल्सो वील कवर इनपुट एंड आउटपुट इन सी। फॉर एग्जाम्पल, ये स्टेटमेंट प्रिंट एफ, दिस इज एन आउटपुट स्टेटमेंट, हम इसे आउटपुट स्टेटमेंट बोलते हैं। सिमिलरली, जैसे यहाँ पे अभी मैंने इस ए वेरिएबल को 10 वैल्यू प्रोवाइड किया मैनुअली, हम यही सेम चीज़ यूजर इनपुट के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे? स्कैन करवा के। स्कैनर इज अ डिफरेंट मेथड इन सी, तो हम देखेंगे कि स्कैन यूज करके हम यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। एंड लास्ट पार्ट, वील कवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, हम सी के अंदर कैरेक्टर्स को रीड कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये ए है, ए को मैंने 10 वैल्यू दी है, तो इसको मैंने रीड किया है बेसिकली। हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स के कंसेप्ट से। तो वेरिएबल्स क्या चीज़ है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो जो हमें ये लेटर्स दिखते हैं ए बी सी, और स्मॉल केस में हम ले लें इसको ए बी सी, दिस ऑल आर नोन एज वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स को हम सी में यूज़ कैसे करें, और ये वेरिएबल्स कहाँ आते हैं, क्या कहाँ से बनते हैं, इसको मेमोरी कहाँ मिलती है, ये सब क्वेश्चंस का आंसर हम फाइंड करते हैं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक क्लास का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक क्लास का ब्लैक बोर्ड है, दिस इज द मेन डोर ऑफ द क्लास, एंड यहाँ पे सीट्स पड़ी हैं। सीट्स अरेंज्ड है रोज एंड कॉलम्स में। ओके, एट रैंडम एक स्टूडेंट एंटर करता है क्लास में। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट ए ने एंटर किया। नाउ दिस स्टूडेंट हैज़ द ऑप्शन टू सिट एनीवेयर इन द क्लास। इसके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसको यहाँ बैठना है या यहाँ ही बैठना है, नहीं, वो जहाँ चाहे वो बैठ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट यहाँ आके बैठ गया, तो इस क्लास में दिस सीट इज फिक्स फॉर ए। सिमिलरली, एट रैंडम एक स्टूडेंट एंटर करता है डी, डी यहाँ पर आके बैठ गया, तो इस सीट का रेफरेंस हो जाएगा डी के लिए। सिमिलरली, हमारे पास सी के अंदर वेरिएबल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास हमारी मेन मेमोरी है, तो ये मेमोरी काम कैसे करेगी? जैसे यहाँ पे सीट्स थी हमारे पास क्लास में, यहाँ पे भी हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं, मेमोरी के अंदर रैंडम ब्लॉक्स होते हैं। एंड हर ब्लॉक के पास अपना एक एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल, इसका एड्रेस रहा 64, इसका एड्रेस रहा 256, इसका एड्रेस रहा 2048। ऐसे ही हर एक ब्लॉक का एड्रेस होता है। जब भी हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने डिफाइन किया इंट ए, ये इस टाइम पे कोई मेमोरी नहीं लेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको सिंपली ए लिखते हैं, ए, दिस इज अननोन टू अस, सी को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है,
वी हैव टू गिव इट अ डेटा टाइप, वो हम आगे बात करेंगे जब हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझते हैं कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम है इंट ए, एंड हमने उसको एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी 10। तो होगा क्या, ये जो ए वेरिएबल है, ओके चलो सपोज मान लेते हैं कि हमने खाली एक वेरिएबल डिफाइन किया, इंटीजर वेरिएबल। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज अ डेटा टाइप वी नो, ओके, लेकिन हमें नहीं पता ये क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसको हमें एक आइडेंटिफायर देना होता है, हमने इसको एक नाम दे दिया ए। जब हम इस ए को वैल्यू असाइन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू 10, हमारी मेन मेमोरी में ये वैल्यू जाके कहीं पे भी एट रैंडम असाइन हो जाएगी एंड उसका नाम होगा ए। तो अब ये जो हमें पता लग गया कि ये जो हमारी मेमोरी है, मेमोरी की स्पेस है जहाँ पर ए पड़ा है, ये रिजर्व्ड है इस वेरिएबल के लिए। देन वेन एवर वी वॉन्ट टू रिट्रीव दैट वेरिएबल, हम सिंपली प्रिंट क्या करवा सकते हैं, ए। तो उससे क्या होगा, हमें जो हमारा कोड है वो देखेगा मेमोरी में ए वेरिएबल कहाँ पे पड़ा है, तो वो उस ए वेरिएबल का रेफरेंस लेके हमें प्रिंट करेगा एंड वैल्यू प्रोवाइड करेगा विच इज इक्वल्स टू 10। अब यही सेम चीज हम कैरेक्टर्स के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नेम लिखा मैंने रैंडम दिस, अब इस नाम को हम कैसे स्टोर करेंगे मेमोरी में, हम तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, बट सी इसको कैसे स्टोर करेगा, कैसे होगा। जैसे हमने इंटीजर के केस में ए को हमने वैल्यू असाइन कर दी थी 10, सिमिलरली यहाँ पे हम इस ए को भी ये नेम असाइन कर सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे इंट की जगह कैर आ जाएगा हमारे पास। ये कैर क्या है, दिस इज अ कैरेक्टर डेटा टाइप। इंटीजर जैसे एक नंबर को स्टोर करेगा, इंटीग्रल वैल्यू को स्टोर करेगा, इंटीजर को स्टोर करेगा, सिमिलरली जो कैरेक्टर है वो हमारे कैरेक्टर्स को स्टोर करेगा। जब हम एरेस पढ़ेंगे देन वी नो द यूज ऑफ दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स, कि ये हमारा कैरेक्टर एरे बनेगा जिसमें ये सारे लेटर्स इंडिविजुअली स्टोर हो जाएंगे। कैसे स्टोर हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक में हमने डिविजन्स करी, अब इस नेम का एक एक कैरेक्टर एक एक ब्लॉक में जाएगा, जैसे एस एच ए यू आर वाई एंड ए। अब मेमोरी में क्या होगा, ये हमारी मेमोरी है राइट, अब इस मेमोरी में रैंडम, मेमोरी तो बहुत बड़ी है, रैंडम एक स्पेस एलोकेट होगा जहाँ पे ये पूरा का पूरा हमारा नेम जो है वो उसको एलोकेट हो जाएगा एंड इस मेमोरी का कोई एड्रेस आपको मिल जाएगा। तो जो हमारा ए है वो मेमोरी के एड्रेस को पॉइंट करेगा, यानी कि जब भी हम इस मेमोरी को एक्सेस करेंगे हम इस एड्रेस को पॉइंट करेंगे एंड जब भी हम इस एड्रेस से वैल्यू को रिट्रीव करेंगे तो हमें एज अ प्रिंट स्टेटमेंट हमें वैल्यू मिल जाएगी जो भी हमारे इस वेरिएबल में स्टोर्ड है, यानी कि ये नेम। दैट इज ऑल अबाउट वेरिएबल्स इन सी। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक डेटा टाइप्स। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कैर। बाइट्स क्या है, बाइट्स इज बेसिकली एक डेटा टाइप। जब हम किसी वेरिएबल को एक डेटा टाइप असाइन करें, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा इंटीजर इंट ए, तो अब कि ए जो है रैंडमली तो कोई मेमोरी ले नहीं सकता ना, तो इसीलिए हमने इसके साथ एक डेटा टाइप स्पेसिफाई किया है। अब इस डेटा टाइप के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये डेटा टाइप जो है मेमोरी में जाएगा तो सही, ठीक है हमने अभी देखा कि मेमोरी में जाएगा, बट ये मेमोरी में कितना स्पेस घेरेगा, कितने ब्लॉक्स घेरेगा। अगर हम बोलें कि हमारा मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक जो है वो 1 byte का है, तो ये इंट ए क्या मतलब इसी में रहेगा या कंबाइन होके ज़्यादा मेमोरी चाहिए उसको, क्या होगा क्या। तो हर डेटा टाइप की अपनी एक बाइट स्टोरेज होती है, वो स्पेसिफिक टू डेटा टाइप रहता है। फॉर एग्जाम्पल कैर है, उसकी 1 byte है, जब भी हम डिक्लेयर करेंगे कैर, दैट मीन्स जो भी हमारा ए वेरिएबल है एज ए कैरेक्टर वो मेमोरी में 1 byte लेगा। सिमिलरली इंट एक हमारे पास डेटा टाइप है जिसकी बाइट स्टोरेज है 2 bytes, विच मीन्स
जब हम int a डिफाइन करेंगे तो वो हमारा मेमोरी में 2 bytes लेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वैल्यू 10 है बट इसने मेमोरी में 2 bytes लिए। दैट इज हाउ डेटा टाइप कवर्स bytes इन मेमोरी। सिमिलरली वी हैव फ्लोट डेटा टाइप, वो मेमोरी के अंदर 4 bytes ऑक्यूपाई करता है। फ्लोट डेटा टाइप बेसिकली इज यूज फॉर फ्लोटिंग नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल फ्लोट नम इक्वल्स टू 10.0। जब भी हमें फ्लोटिंग नंबर्स की बात करनी होती है तो हम बेसिकली फ्लोट डेटा टाइप का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें डिवाइडिंग टू नंबर्स ए अपॉन बी, तो ए अपॉन बी का आउटपुट इज नॉट ऑलवेज अ परफेक्ट डिविजिबल नंबर, राइट। इसका आउटपुट फ्लोट में जा सकता है। अगर हम जनरल मैथ्स की बात करें, अगर हम 5/2 करें तो हमें पता है इसका आंसर जो है वो 2.5 हो सकता है, होता है। बट इन केस ऑफ सी अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं int a equals to 5 and int b equals to 2 and if we do a upon b, तो इसका आंसर 2.5 नहीं होगा बल्कि इसका आंसर होगा 2। बिकॉज किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अ डिविजन जस्ट प्रिंट्स आउट द क्वोशेंट, इट डजंट प्रिंट आउट द डेसिमल वैल्यू। बट यस अगर हम इन इंटीजर्स को फ्लोट में टाइप कर दें, टाइप कास्ट कर दें, फॉर एग्जाम्पल फ्लोट ए इक्वल्स टू 5 एंड फ्लोट बी इक्वल्स टू 2 and then we perform the same calculation as a upon b, we will get the answer as 2.5. that is the difference between int and float. similarly data type double, which uses 4 bytes in memory. data type short uses 2 bytes in memory. long uses 8 bytes in memory. hamare paas basically hum ye 4 डेटा टाइप्स को मैक्सिमम यूज़ करते हैं। लॉन्ग, इंट, अनसाइंड ये सब यूज़ होते हैं जब हमें बड़े बड़े नंबर से खेलना होता है। फॉर एग्जांपल जब हमारे पास डिजिट्स 10^5 में होती हैं देन वी यूज़ लॉन्ग एंड डबल वैल्यूज, अदरवाइज छोटी वैल्यूज़ के लिए इनसे हमारा काम चल जाता है। अब हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं सी के अंदर, जैसे कि इंट, कैर, लॉन्ग, फ्लोट। तो अब हम बात करते हैं जो हमने ये स्टेटमेंट लिखी थी कि इंट ए इक्वल्स टू 10, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन। आगे हम जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें हम सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कवर करेंगे जिसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। What is a syntax? If you don't know, let me tell you. Syntax is basically a blueprint. हम कह सकते हैं किसी भी चीज को करने से पहले हम एक blueprint तैयार करते हैं, right? तो syntax भी एक blueprint की तरह काम करता है। जैसे कि ये int a equals to 10 है, इसमें int a and 10 तीनों के अपने अपने different meanings हैं। कैसे? I'll tell you. जब भी हम एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं इस स्टेप को हम बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल। विदाउट अ वैल्यू व्हेनेवर वी राइट फॉर एग्जांपल इंट ए वी डिफाइन अ वेरिएबल, तो इसको हम बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल। एंड whenever we assign a value to it, for example int a equals to 10, इस step को हम बोलते हैं declaring a variable। definition और declaration में क्या फर्क है? definition बस ये define कर रहा है कि हमारे पास c के अंदर एक variable है a जिसका type है हमारे पास int। जब हम इस a को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं 10, उस पॉइंट पे हमने वेरिएबल को कर दिया डिक्लेयर। तो हम बात कर रहे थे इस स्टेटमेंट की int a equals to 10। अगर हम सिंटैक्स की बात करें
तो फॉर अ डेटा टाइप वी हैव फर्स्टली अ डेटा टाइप एंड उसका आइडेंटिफायर. दिस इज द सिंटैक्स ऑफ अ डेटा टाइप. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. तो हम बात कर रहे थे डेटा टाइप्स की एंड हमने लास्ट वीडियो में डेटा टाइप के सिंटैक्स पे छोड़ा था. सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर. डेटा टाइप जैसे कि हमारे पास हमने बात की इंट, कैर, फ्लोट, कुछ भी हो सकता है. एंड आइडेंटिफायर इज एनी नेम गिवन टू अ डेटा टाइप. डेटा टाइप इज व्हाट समथिंग दैट defines the type of data and identifier हमारे पास क्या है, any name given to the data type or a variable that identifies a particular data type. ये हमारे पास data type and identifier की definitions होती हैं. Third हम बात करते हैं input output in C. अगर आपने कभी C का code ध्यान से पढ़ा है तो आपने उसमें first statement देखी होगी hashtag include IO stream. What is this statement? Basically, C के अंदर हमारे पास libraries होती हैं, okay? हर अब जैसे input output है, हम input लेने के लिए, let me tell you first, input लेने के लिए हम एक statement लिखते हैं scanf. What is this scanf? ये कैसे काम करता है? तो जब C बनी थी, किसी ने तो C को code किया है ना, किसी ने तो C बनाई है, तो जब C language बनी थी इस सी लैंग्वेज में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो हमें हेल्प करते हैं, ईज करते हैं हमारा वर्क, जिससे कि हम इजीली इनपुट आउटपुट ले सकें या कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें, जैसे कि स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ एक हमारे पास एग्जांपल है. स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ क्या चीज़ है? जो आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी हमारे पास है, स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी, उसके अंदर दो फंक्शंस हमारे पास बिल्ट इन है, स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ. अगर ये स्टेटमेंट हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारे कोड में एरर आएगा. तो जब भी कोड लिखा रहता है, इट इज लाइक हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम इंट मेन. नाउ हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट ए. तो अभी अभी हमने पढ़ा कि ये हमारा वेरिएबल होगा ऑफ टाइप इंट, इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा. तो इसमें क्या वैल्यू स्टोर हो सकती हैं? इंटीजर्स, नंबर्स, होल नंबर्स बेसिकली, है ना, ये सब वैल्यूज इसमें स्टोर हो सकते हैं. तो हमने एक ये स्टेटमेंट लिख दी इंट ए. अब मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें मैंने लिखा था इंट ए इक्वल्स टू 10. इसका क्या मतलब था? हमारे पास मेमोरी के अंदर कोई वेरिएबल रहा ए जिसकी वैल्यू थी हमारे पास 10. What if अगर यूजर को इनपुट देना हो, आप मुझे बोलो कि मुझे इनपुट लेना है, मुझे अपनी खुद की वैल्यू ए को असाइन करनी है, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए वी मेक यूज ऑफ scanf स्टेटमेंट. What does scanf स्टेटमेंट डू? तो scanf समझने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी, which is the format specifiers. Now what is format specifier? For example, we have some format specifiers like %c, %d. इनका क्या मीनिंग है ये मैं आपको बताता हूँ. %c defines कि जो भी हम इनपुट लेने वाले हैं इट वुड बी ऑफ टाइप कैरेक्टर. %d defines जो भी हमारा इनपुट होने वाला है इट वुड बी अ टाइप ऑफ इंटीजर. परसेंटेज डी हम यूज करते हैं इंट के लिए, शॉर्ट के लिए, लॉन्ग टाइप के वेरिएबल्स के लिए. परसेंटेज एफ हम यूज करेंगे
फ्लोटिंग नंबर्स के लिए। सिमिलरली हमारे पास कुछ स्पेसिफायर्स होते हैं, परसेंटेज एल, परसेंटेज एल डी एंड परसेंटेज एल आई, जो हम यूज करते हैं साइन इंट, मतलब साइन इंटीजर्स की तरह एंड लॉन्ग वेरिएबल्स के लिए। बिग इंटीजर्स जैसे हमने बात की थी, जो भी बड़े नंबर्स रहते हैं 10 टू द पावर्स में, उनके लिए। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कुछ नहीं, बेसिकली इट डिफाइंस कि क्या हम इनपुट ले रहे हैं, जो हम इनपुट ले रहे हैं वो किस टाइप का है। क्योंकि हमें पता है कि जब हम इंट ए इक्वल्स टू 10 लिखते हैं तो ए एक पॉजिटिव इंटीजर असाइन कर रहा है, ठीक है, बट सी को हमें बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें इनपुट लेने की, ये हम लिखते हैं इनपुट ए। ह्यूमन लैंग्वेज के हिसाब से हमें स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आ रहा है कि हमें एक वेरिएबल का इनपुट लेना है जिसका नाम ए है, बट कंप्यूटर को ये चीज़ कैसे पता चलेगी, सी को ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि क्या इनपुट लेना है। इसीलिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो हमें बताता है, जो एक्चुअली सी को बताता है कि जो इनपुट हम, जो इनपुट यूजर देगा उसका टाइप क्या होगा। तो फॉर दैट स्टेटमेंट वी हैव स्कैन एफ, वी एड द फॉर्मेट स्पेसिफायर, इन द इन्वर्टेड कॉमास, ऑलराइट, देन कॉमा लगा के वैल्यू। दिस इज द सिंटैक्स हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर इन सी। एग्जाम्पल, वी डिफाइन अ वेरिएबल ए इक्वल्स टू इंटीजर ए। अब हमें यूजर से इनपुट लेना है तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे स्कैन एफ परसेंटेज डी फॉर इंटीजर कॉमा ए। जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट इससे पहले लिख देते हैं प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। सबसे पहले हमें स्क्रीन में लिखा होगा एंटर अ नंबर एंड देन हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे फॉर एग्जाम्पल 10। नाउ हम इसमें एक और स्टेटमेंट ऐड करते हैं प्रिंट एफ परसेंटेज टी कॉमा ए, तो इससे क्या आउटपुट आएगा 10। इसका मैं आपको अभी शॉर्टली एक कोड भी करके दिखाऊंगा। तो गाइस मैं आ गया हूँ ऑनलाइन कंपाइलर पर एंड जो मैंने कोड अभी आपको बोर्ड पे समझाया उसका हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने पढ़ा वेरिएबल्स के बारे में, हमने पढ़ा सी के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स जैसे कि इंट, फ्लोट, कैर, डबल, लॉन्ग। हमने ये भी पढ़ा कि जितने भी डेटा टाइप्स हमारे पास सी में अवेलेबल हैं वो कुछ स्टोरेज यूज करते हैं मेमोरी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इंट के पास होता है 2 bytes, कैर के पास होता है 1 byte, एंड फ्लोट के पास रहता है 4 byte। सिमिलरली हमारे पास डबल है उसके पास भी होता है 4 bytes, ठीक है। अब हमने बात किया कि हम कैरेक्टर को इनपुट कैसे ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैन एफ स्टेटमेंट एंड अंदर हम एक फॉर्मेट स्पेसिफायर डालेंगे जैसे कि परसेंटेज डी इंट के लिए, परसेंटेज सी कैर के लिए, परसेंटेज एफ फ्लोट के लिए, परसेंटेज एल लॉन्ग के लिए, या परसेंटेज एल डी या फिर एल आई डबल के लिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं कोड की। ओके, सो ये हमारे पास हमारा कोड है, अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन विद अ सूटेबल मैसेज। दिस प्रोग्राम विल बेसिकली एक्सप्लेन द यूज ऑफ स्कैन एंड प्रिंट स्टेटमेंट्स। इससे आपको पता चलेगा कि स्कैन और प्रिंट कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो हम यूजर से 2 variables इनपुट कराएंगे एंड हम उसका सम परफॉर्म करके स्क्रीन में डिस्प्ले करेंगे।
तो इंक्लूड स्टेटमेंट हमारे पास इंक्लूडेड है प्रोग्राम के अंदर। इंट मेन हमारा मेथड होता है जो हमें जो सी को वैल्यू रिटर्न करेगा फाइनल। रिटर्न जीरो स्टेटमेंट स्पेसिफाइज कि हम यहाँ पे हमारा कोड जो है टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू जो फाइनल है वो सी के पास में कमांड चला जाएगा एंड वो हमें रिजल्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। तो सबसे पहले हमें यूजर से इनपुट लेना है, उसके लिए हमें पहले वेरिएबल को डिफाइन करना होगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा डिफाइनिंग द वेरिएबल। गाइस जो डबल स्लैश लगाते हैं इसको हम सी में बोलते हैं कमेंट्स। कमेंट्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बताऊंगा, बट अभी के लिए कमेंट्स इज अ स्टेटमेंट कि जिस भी स्टेटमेंट के आगे हम ये डबल स्लैश लगा देंगे वो स्टेटमेंट कमेंट हो जाएगी, यानी कि ओमिट हो जाएगी। यानी कि जब भी हम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे कमेंटेड स्टेटमेंट के अलावा बाकी सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। ऑलराइट, तो अभी के लिए मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। ओके, सो हमारा फर्स्ट स्टेप है डिफाइनिंग द वेरिएबल जो कि हमने सीखा है इंट ए। हमने एक वेरिएबल लिया इंट ए। वन थिंग मोर गाइस, एज अ गुड प्रैक्टिस ऑफ अ कोडर कभी भी वेरिएबल्स का नाम ए बी सी एक्स वाई जेड हम लोग अवॉइड करते हैं। क्यों? अभी हमारे पास 5 या 6 लाइन के कोड्स हैं मैक्सिमम, बट फ्यूचर में जाके हमारे पास 50, 100, 1000 लाइन का कोड भी हो सकता है। तो अगर किसी पॉइंट पे जाके हम भटक गए कि हमारा ए वेरिएबल था क्या एक्चुअली, तो हम सारा ऑल द वे स्क्रोल अप करके ऊपर जाके ए ढूंढेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। इट्स बेटर कि जो आपका कोड है कोड की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वेरिएबल्स के नाम दिए जाएं। फॉर एग्जांपल इस कोड में हम 2 नंबर्स का सम करने वाले हैं, राइट? तो मैं वेरिएबल का नाम ले सकता हूँ इंट नंबर 1, इंट नंबर 2। देन वी नो दैट हमारा नंबर 1 एंड नंबर 2 दो वेरिएबल्स हैं जो यूजर इनपुट करेगा। ऑल्सो गाइस इसको हम सेम लाइन में भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल num1, num2, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। ओके, सो नाउ वी नो दैट वी हैव डिफाइंड द वेरिएबल्स। अब हमें यूजर से इनपुट लेना है। इनपुट लेने के लिए हमने पढ़ा कि हम scanf स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो हमने लिखा scanf इन्वर्टेड कॉमर्स में हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर। इस स्टेप को हम नाम दे देते हैं टेकिंग द इनपुट। कैसे था? scanf और ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर, ओके, एंड द सेमीकोलन इन द एंड, कॉमा num1। सिमिलरली ये हमारा नंबर 1 का इनपुट आ गया। नाउ नंबर 2 के इनपुट के लिए परसेंटेज टी नम 2। तो इस पॉइंट पे आके जैसे हमारा माउस का कर्सर है ना स्क्रीन पे विजिबल है, इमेजिन करो कि हमारे प्रोग्राम में भी एक इमेजिनरी कर्सर है जो यहाँ से स्टार्ट होके ऑल द वे डाउन लास्ट स्टेटमेंट लाइन नंबर 17 तक जाएगा। तो टॉप टू बॉटम जब उसने काम करना शुरू किया वो यहाँ पर आया। उसने देखा कि int num1 एंड int num2 दो वेरिएबल्स डिफाइन है, तो उसने मेमोरी में दो वेरिएबल्स एलोकेट कर दिए num1 एंड num2। सेकंड वो यहाँ पर आया, उसने देखा scanf किया गया है num1 को, तो उसने num1 का इनपुट प्रोवाइड किया। ओके, सो इस scanf से पहले हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं printf। printf इज बेसिकली यूज टू आउटपुट समथिंग। तो printf में हम लिख देते हैं enter 2 numbers, right? And we give a backslash n. ये backslash n comments इसके लिए एक separate lecture organize होगा, so don't worry about this right now. Backslash n के बाद यहाँ पे हमने 2 numbers को scan किया, right? अब हम एक printf statement देंगे sum of the 2 numbers is again a backslash n to print in the next line. So अब हमने sum करना है, तो 2 numbers हमारे यहाँ पे input हो गए, right? अब हमें simply उनको sum करके output देना है। तो output देने के लिए हम एक statement लिखेंगे printf, okay? Now what
इन द आउटपुट, हमें आउटपुट भी एक इंटीजर वेरिएबल ही चाहिए, राइट? तो अगर इनपुट के लिए हमने इंटीजर में परसेंटेज डी लिया, एंड आउटपुट के लिए भी हम परसेंटेज डी लेंगे, एंड इससे पहले हम जो भी लिखेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर से पहले हम जो भी लिखेंगे वो एज इट इज स्क्रीन में प्रिंट होगा. फॉर एग्जाम्पल, सम इक्वल्स टू परसेंटेज डी एंड कॉमा लगा के व्हाट, नम वन प्लस नम टू. स्पेस देना यहाँ पे नेसेसरी नहीं होता, ये बस मैंने इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है ताकि देख के अंडरस्टैंड करना इजी हो. दिस इज द एंड ऑफ आवर कोड. एक बार मैं आपको कोड का फ्लो समझा देता हूँ. नम वन नम टू हमने दो वेरिएबल्स डिफाइन किए, जस्ट फॉर आवर ईज हमने एक स्टेटमेंट लिखी एंटर टू नंबर्स. ऑलराइट, नाउ यहाँ पे हमने दोनों नंबर्स का इनपुट लिया स्कैनएफ. हमने एक और स्टेटमेंट लिखी सम ऑफ द टू नंबर्स इज, प्रिंटएफ सम इक्वल्स टू नम वन प्लस नम टू. ये स्टेटमेंट कैसे काम करेगी, टेक दैट इमेजिनरी कर्सर अगेन, वो यहाँ पर आएगा. प्रिंटएफ है इसीलिए वो प्रिंट करेगा सम इक्वल्स टू, यहाँ पर उसको आके मिलेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिससे उसको पता चलेगा कि हमें एक इंटीजर को प्रिंट करना है. नम वन प्लस नम टू, सिंपल मैथ्स, दोनों नंबर्स को प्लस करके एक ही इंटीजर है तो वो वैल्यू को प्रिंट करेगा. मैं प्रोग्राम को रन करूंगा. ऑलराइट गाइस, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है. जब भी हमको इनपुट लेना होता है स्कैनएफ, सी के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमें हमेशा एम्परसेंट लगाना होता है. जो शिफ्ट 7 के ऊपर एंड का सिंबल रहता है वो हमें यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, इसके बिना हमारे पास इस टाइप का कुछ एरर आएगा. इसका रीजन मैं आपको आगे के लेक्चर्स में समझाऊंगा जब हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हमें एम परसेंट लगाना इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ पर ये हमारी मिस्टेक थी. ओके गाइस, सो मैं यहाँ पर इनपुट डाल देता हूँ दो नंबर्स 10 एंड 20 एंड प्रोग्राम को रन करते हैं. सो हमारा आउटपुट आ गया है. एज यू कैन सी, सबसे पहले हमारी प्रिंट स्टेटमेंट थी एंटर टू नंबर्स, तो यहाँ पर टू नंबर्स एंटर हुए. उसके बाद हमने यहाँ पर नंबर्स का इनपुट दिया था, तो स्टेटमेंट के बाद उसने दो नंबर्स का इनपुट लिया 10 एंड 20. फिर हमारी प्रिंट स्टेटमेंट थी कि सम ऑफ द टू नंबर्स इज, वो यहाँ पर प्रिंट हुई एंड उसने नम वन प्लस नम टू का सम इक्वल्स टू 30 प्रिंट कर दिया. ऑलराइट गाइस, तो ये था सी में बेसिक इनपुट आउटपुट रीडिंग डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेक्चर्स. नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और डीप टाइप करेंगे. थैंक यू सो मच.